इंडिया के अंदर आईफोन जो 12 है उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए। एक आप ये समझ लें कि एक नया स्टेटस मिला है भारत को इस हवाले से। ये मेरा ख्याल पहली दफा ऐसे होगा कि इस तरह की जो एक फ्लैगशिप डिवाइस है ये चाइना के बाहर से बन रही है। सर, इंडिया में उन्होंने बहुत लंबे अरसे के लिए अपना तेल स्टोर किया हुआ है। इंडिया के अंदर आईफोन जो 12 है उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए। एक आप ये समझ लें कि एक नया स्टेटस मिला है भारत को इस हवाले से। एक ताइवान की जो कंपनीज हैं, बेसिकली एप्पल, जितना एप्पल जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाता है वो दो तीन कंपनियों से करवाता था, और एक कंपनी है जिसका नाम है फॉक्सकॉन। वो अपना जो यूनिट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो इंडिया लेके जा रहा है तमिलनाडु के अंदर, और ये सदरन इंडिया में आपको पता है। और ये जो नया आईफोन है ये 5G एनेबल्ड फोन है, और ये मेरा ख्याल पहली दफा ऐसे होगा कि इस तरह की जो एक फ्लैगशिप डिवाइस है ये चाइना के बाहर से बन रही है। सो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस हवाले से। और अगर देखा जाए कि जो एप्पल है वो अपनी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग तीन ताइवानी कंपनियों से करवाता था। एक का नाम है फॉक्सकॉन, जो कि ज्यादातर जानी जाती है हॉन हाई प्रिसियन इंडस्ट्री के नाम से, दूसरी पैगेट्रॉन और तीसरी विस्ट्रॉन। और मजे की बात है ये तीनों कंपनियां सम हाउ दे आर गोइंग इंडिया। इसकी मैं वजूहात भी बताता हूँ कि ये हाउ डिड इंडिया टर्न अराउंड दिस, ये कैसे उन्होंने बनाया। कुछ उनकी अपनी क्वालिटीज थी, कुछ एनवायरनमेंट इस तरह था, कुछ ग्लोबल एनवायरनमेंट इस तरह हुआ, कुछ सप्लाई चेन रिक्वायरमेंट्स डेवलप हुई। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि कोविड के बाद, और कोविड ने जिस तरह इंडिया को ये एक पोजिशन दी है। सो अगर देखा जाए इंडियन मार्केट जो है वो खुद जो है वो तकरीबन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एनुअल सब्सिडीज देगी 4 से 6% पहले 5-1 साल। और जैसे मैंने पहले बताया कि जो पैगेट्रॉन है वो भी इंडिया में अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, विस्ट्रॉन भी एक्सपेंड कर रही है, और फॉक्सकॉन तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर रही है। इसके अलावा जो फॉक्सकॉन है उसने ये भी फैसला किया है कि वो अपने जो आईपैड्स हैं, ये जो मैकबुक प्रोडक्शन है वो भी शिफ्ट करेगी चाइना से, और वो वियतनाम की तरफ जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसको मैं अगर पहले अगर स्ट्रेटेजिकली देखूं, अगर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि हाउ डिड इंडिया मेक दिस, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रेसिडेंट ट्रम्प आपके जेहन में आएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो थे उन्होंने बेसिकली, जिसे आप कहते हैं ना कि जो अपनी सप्लाई चेन जो स्ट्रक्चर है और जो एक्सपोर्ट कंट्रोल जो कंप्लायंस है वो बदल दी, जिसका बहुत बड़ा फायदा जो है वो जारी बात है इंडिया को हुआ है। और इंडिया इस समझे कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी था। और क्योंकि ट्रम्प साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तो ट्रेड वॉर शुरू कर दी, और जितनी बड़ी बड़ी यूएस कंपनीज हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एमेजॉन, क्वालकॉम, डेल, ये सारी ये ऑलरेडी बिजनेस कर रही थी। तो ये एक आप ये समझ लें कि ये पहली दफा हुआ है कि जो टेक इंडस्ट्री है उसने दे नेवर अंडरस्टूड कि जी इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो इस तरह के हो सकते हैं कि हालात बदल सकते हैं और इंडिया को ये अहमियत मिलेगी। अगर मैं आपको बताऊं कि जो अपना एप्पल है वो अपना 20% जो शेयर था वो चाइना से कमाता था, और इसी तरह जो इंटेल है वो भी अपना 20% यहीं से कमाता था। इवन के एक जो मोबाइल चिप कंपनी है क्वालकॉम, वो भी अपनी 60% सेल जो थी वो चाइना से लेती थी। तो चाइना से हर चीज जो है वो निकल रही है। मैंने कुछ चीजें नोट डाउन की आपको बताने के लिए कि किस तरह अमेरिकन्स ने, देखें ये एक मैक्रो लेवल पे चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से वो सारी की सारी मार्केट वो जो है वो चाइना से निकल के इंडिया की तरफ जा रही है। सबसे पहले तो देखा जाए कि एक तो कोविड आया, कोविड में सप्लाई चेन का बड़ा चैलेंज आया, उससे पहले ट्रेड वॉर्स थी, और बहुत ज्यादा टैरिफ्स ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाने शुरू कर दिए, किसी ने इसको टेक्नोलॉजी वॉर कहना शुरू कर दिया, और बड़े बड़े हाई टैरिफ्स लगा दिए चाइनीज कंपनीज के ऊपर,
25-25% एडिशनल टैरिफ्स लगा दिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के नुकसान होने लग पड़े उनको। तो जो बेसिकली एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल्स हैं वो चेंज किए, और इमेजिन करें अमेरिकन फ्रस्ट्रेशन कह लें या उनका प्लान कह लें चाइना के बारे में, टू डेंट चाइना, कि एक साल में उन्होंने 3 दफा अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल्स चेंज किए, और तकरीबन अमेरिका ने 70 चाइनीज कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया ताकि वो चाइना के ऊपर प्रेशर डाल सके। और इसके साथ अगर देखा जाए यूएस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर डाला गया जो ताइवान में बिजनेस कर रही थी, बल्कि ये कहा जाता है कि जो यूएस एम्बेसी है उन्होंने बकायदा जाकर थ्रेटन किया कि जी जो चाइनीज अमेरिकन कंपनीज हैं वो चाइनीज का बायकॉट करें और यहां से निकलें और यहां से अपनी प्रोडक्शन खत्म करें। कि जो बीजिंग का जो टेक्नोलॉजिकल अथॉरिटेरियन मॉडल है, मींस का जो कंट्रोल था इस सारे टेक्नोलॉजी के ऊपर और सारे रिजीम के ऊपर, उसको बेसिकली तोड़ा है अमेरिका ने। और अब ये समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी एक जीत है अमेरिका की और जीत है इंडिया की, बिकॉज इंडिया बिकेम एन ऑटोमेटिकली एक अल्टरनेट बन गया। सो दिस इज फर्स्ट टाइम कि जो जो यूएस है उसने वेपनाइज कर दिया टेक सप्लाई चेन को, यानी कि जो टेक्नोलॉजिकल सप्लाई चेन है उसको वेपनाइज कर दिया अपने टैरिफ्स के साथ। सर इंडिया में उन्होंने बहुत लंबे अरसे के लिए अपना तेल स्टोर किया हुआ है, हमारे यहाँ भी किया हुआ था तेल स्टोर, जो हाई ऑप्टन था, जो महंगे कीमत में बेच रहे थे, और वो एस्टेब्लिश हो गया। सर आपके पास स्टोरी नहीं है हाल भाई, माधव के साथ हो गया कि पाकिस्तान में किसी भी हुक्मरान ने सिर्फ आपके दिफाई नौयत के यहाँ पे कुछ मामलात हैं, अदरवाइज आपके यहाँ पे वैसे स्टोरेज है ही नहीं। सर अक्टूबर 2018 के बाद से लेकर अब तक पेट्रोलियम की जो मसनूआत की कीमतें हैं वो उतनी ज्यादा कभी नहीं हुई जितनी अब हो गई हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने परसों इस पर रिसर्च किया था। हमारे दौर में इमरान खान, हमारे दौर में कभी नहीं हुई जितनी इस दौर में हुई थी, और हम 25 नहीं हुई थी कभी दुनिया। अब जो कीमत बढ़ी है, और 2020 के अंदर जब कोविड था तो बहुत नीचे चली गई थी, इवन माइनस हो गई थी, लेकिन अब अक्टूबर 2018 वाली कीमत से ज्यादा बढ़ चुकी है। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप कभी भी जो पाकिस्तानी मीडिया के वीडियो अपलोड करते हैं इंडियन अपलोडर, उनको कभी भी डिसलाइक मत कीजिए, क्योंकि ये डिसलाइक पाकिस्तानी को नहीं होता, ये डिसलाइक सिर्फ इंडियंस का होता है कि जो वीडियो अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, क्योंकि मुझे 3 साल हो गए ये काम करते करते, अपने अनुभव से मैं बता सकता हूँ कि अगर आप जो कमेंट करते हैं इंडिया के बिहाफ पे, तो वो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपके सारे कमेंट्स पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर पढ़ते हैं, सहाफ़ी पढ़ते हैं, और जितने पाकिस्तानी पीपल्स होते हैं वो पढ़ते हैं। इसलिए जितना हो सके इंडिया के इंटरेस्ट पर कमेंट कीजिए और साफ़ सुथरे कीजिए। क्योंकि आप गाली देते हो तो वो गाली स्पैम में चली जाती है, यूट्यूब ऑटोमेटिक उसको भागे स्पैम में पटक देता है, वो तुम्हारा रिफ्लेक्ट नहीं होता, पब्लिक नहीं होता कमेंट। तो साफ़ सुथरे और अच्छी बातों में, अच्छे शब्दों में अपनी बात करिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।